हाँ हाँ अच्छा, दोस्त का सवाल है कि ये इस्तेमाल सर असल में होगा कहाँ, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। ये असल में अभी तो ये समझ लें अच्छी तरह कि ये चलता कैसे है, ठीक है, इसके काम करने का तरीका कैसा है। वो फिर थ्रू आउट द कोर्स तो इसको इस्तेमाल ही करेंगे ना, अभी हम पूरा पूरा सर्वर लिखेंगे, पूरी पूरी ऐप्स बनाएंगे, तो वहाँ उसके दरमियान ये कई जगहों पे इस्तेमाल होगा। सही है, अभी इसी जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप पे जब पहुँचेंगे तो आप देखेंगे इसका एक एक्सटेंसिव इस्तेमाल वहीं पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो जी सवाल जोर से पूछो, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ अभी ये दोस्त पूछ रहे हैं सवाल कि मैथ में जो है ना वो हम पढ़ते थे कि प्लस प्लस माइनस हो जाता है, प्लस 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 होता है। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले बताया था मैथ वैथ मुझे आती वाती है नहीं। सही है, तो मगर वो ऐसे नॉर्मल इक्वेशन में तो ऐसा नहीं होता है, ये हो जाता था। वो तो बैलेंस द इक्वेशन वाले में होता है ना, वो कि हमें माइनस करना पड़ता है, जो उठ के इस तरफ आता है तो वो चेंज हो जाता है। अभी अच्छा, मुझे वो मैथ हार्ड कोर मैथ वाला नहीं आइडिया, मगर मैं आपको प्रोग्रामिंग में ये वाले सवाल जो है ना आपके, ये मैं क्लियर करवा के जाऊंगा आज ही। ठीक है, कि ची एक्सप्रेशन असल में सॉल्व, इनका असल में सवाल ये है कि एक एक्सप्रेशन अगर लिखी हुई है उसमें प्लस भी शामिल है माइनस भी शामिल है। अभी तो ना 2 + 2 तो सिंपल है, 4 हो गया। अभी 2 + 2 फिर -3 डिवाइड बाई 7 फिर मल्टीप्लाई बाई -3, अगर ऐसे लंबी इक्वेशन आ गई तो ये क्या होगा। तो अभी हम इसी पे आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही मौके पे सही सवाल पूछा है, अभी अगला टॉपिक यही है। अच्छा, तो मैं सबसे पहले तो बना लेता हूँ एक वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ मैं नम वन इक्वल्स टू 3 और नम टू इक्वल्स टू 5। सही है, अच्छा, और फिर मैं कहता हूँ कि लेट रिजल्ट इक्वल्स टू नम वन प्लस नम टू प्लस प्लस। सही है, नम वन से भी पहले कुछ हम लगा देते हैं। अच्छा, ये मैं रैंडमली लगा रहा हूँ, बिल्कुल मुझे भी नहीं पता कि इसका क्या जवाब होगा। सही है, एक और माइनस लगा देते हैं। एक बहुत ही सिंपल सी और छोटी सी इक्वेशन। अच्छा, अब क्या लगता है आपको कि ये जो इवेल्यूएट होगा ये किस चीज़ पे होगा अल्टीमेटली? ये इसके मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है। सही है, ये जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि प्लस माइनस आपको पता था लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसमें प्लस माइनस के साथ साथ अब ये एक और ऑपरेटर भी आ गया। अब ज़रा इसको ना जल्दी से कौन ये बता पाएगा, जिन लोगों को प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आती है उनसे मेरा, जिनको नहीं आती उनको तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा होगा ना कि ये हो क्या रहा है, उनको मैं बताऊंगा। तो जब मैं लास्ट में यहाँ पे कंसोल करूंगा यहाँ पे, जब मैं कंसोल करूंगा रिजल्ट को, तो इसमें क्या प्रिंट होगा? कुछ कुछ लोगों ने बताया 5 होगा, 5 बताया आपने। अच्छा, और कुछ लोग कह रहे हैं -1 होगा, -1 कह रहे हैं आप भी, कुछ लोग कह रहे हैं 1 होगा। अच्छा, और कुछ लोग 8 भी हो सकता है। चलो 8 लगा दिया एक ने, 0। बहुत सारे अलग अलग फिगर्स आ रहे हैं मेरे पास। 7 आपके ख्याल में 7 आएगा? कैलकुलेट करके बताओ, ऐसे रैंडम तुक्के वाली कहानी नहीं चल रही। ये मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ जिनको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है, जिनको नहीं आती उन वो भी चाहें तो कैलकुलेट करके बता सकते हैं, लेकिन तुक्का वाला केस नहीं है। आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ये आपने 5 कैसे कैलकुलेट किया। 2 आएगा आपके ख्याल में? अच्छा, तो सबसे पहले तो 5 कौन कह रहा था वो ज़रा बताए, आप कह रहे थे
अच्छा कैसे 5 आपने कैलकुलेट किया ज़रा बताएं हम लोगों को। नम वन की जगह पे यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा। अच्छा 2 रिटर्न हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे 5 रिटर्न हो जाएगा। अच्छा और यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, अभी 5 वाले को तो बोलने दो, 5 कितने लोगों का ख्याल है, 5 है ये। अच्छा एक ही का है ना तो इसी को बोलने दो। यहाँ क्या रिटर्न होगा, यहाँ जो मैंने सिलेक्शन की हुई है इस पर क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे आगे यहाँ पे 2 आएगा। अच्छा तो आप कर लेते हैं, 2 माइनस 5 2 प्लस 5 7, 7 माइनस 4 3, और 3 प्लस 2 3 माइनस 2 हो गया, ये तो 1 आ गया। ये तो 1 आ गया नहीं, ये माइनस माइनस प्लस होगा। भाई नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना, गड़बड़ा गया ना तुम, नहीं हुआ। अच्छा अच्छा मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या है, अभी मैं आप लोगों के साथ मिलके कैलकुलेट करता हूँ फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा बहुत सिंपल है, अगर थोड़ा सा गौर करेंगे बहुत सिंपल है। जावा स्क्रिप्ट की जो एक्सप्रेशन है ये इसको सॉल्व करना शुरू करेगा, नम वन की वैल्यू 3 है और नम टू की वैल्यू 5 है, यहाँ पर रिटर्न क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट है, प्री डिक्रीमेंट है, तो डिक्रीमेंट होने के बाद रिटर्न होगा। अच्छा यानी कि 2 होगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, इसकी वैल्यू भी 2 हो चुकी है ना ऊपर, बाद में भी तो ये इस्तेमाल हो रहा है। हाँ तो इंक्रीमेंट हो गया ना एक्चुअल वेरिएबल में, ये तो देखना पड़ेगा, यही तो गेम है। अच्छा उसके बाद प्लस, अब नम टू प्लस प्लस, अब नम टू की वैल्यू इस वक्त क्या है, 5 है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ पर 5 ही रिटर्न होगा। समझ आ रही है, चक्कर समझ आ रहा है ना क्या ये। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, इस वक्त नम टू की वैल्यू, नम टू की वैल्यू इस वक्त 2 है। अच्छा ये पोस्ट है ना, है अच्छा नम टू नीचे वाला है ना, हाँ सॉरी, नम टू की वैल्यू इस वक्त 6 है, नम टू में मैंने किया माइनस माइनस लेकिन पोस्ट वाला, तो यहाँ पे 6 ही रिटर्न होगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा ना, माइनस हो गया। अच्छा फिर नम वन में माइनस माइनस लगा, तो नम वन में अभी 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये 2 ही आएगा। अच्छा ये हो गया, अब ये 2 प्लस 5 हो गया 7, और 7 माइनस 6 1, और 1 माइनस 2 माइनस 1। अच्छा देखते हैं कि ये सही जवाब है या गलत है। माइनस वन तो ये आ गया, लेकिन क्या ये सही जवाब है, मोस्ट प्रोबेबली ये सही जवाब है लेकिन नहीं भी हो सकता है, उसका मैं भी रीजन बताऊंगा कि क्यों नहीं हो सकता। अच्छा इसलिए अगर मैं देखो यहां से मैंने सॉल्व करना शुरू किया ना, अगर मैं इसको इधर से सॉल्व करना शुरू करूं तो आंसर डिफरेंट आएगा, है ना, तो सही तरीका क्या इधर से करना है या उधर से करना है, अभी ये हमें नहीं पता है ना। अच्छा अभी तो इस तरफ से किया हमने, आ जाओ। अच्छा फिर दूसरी बात ये कि पहले मैंने माइनस माइनस को किया या पहले प्लस प्लस को किया, अगर मैं पहले सारे प्लस वाले को करूं और माइनस वाले को मैं बाद में करूं तो भी आंसर डिफरेंट आएगा। बॉर्ड मास में पहले कौन सा होता है, एडिशन होता है, बस सब्ट्रैक्शन तो बाद में होता है, लेकिन मैंने 1 गो में कर दिया सबको। अच्छा तो देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है, माइनस 1 हमने जो आंसर कैलकुलेट किया था वो बिल्कुल सही था। अच्छा अब ज़रा सा हम ये देख लेते हैं कि ये इसका चक्कर क्या है, मैंने इस तरफ से क्यों किया, इधर से क्यों नहीं किया, और पहले मैंने माइनस माइनस को करना था या पहले प्लस प्लस को करना था। अच्छा फिर ये जो प्लस और माइनस का ऑपरेटर है, इसको भी मैं पहले या बाद में करूं तो इससे आंसर डिफरेंट आ जाता है ना। अगर इक्वेशन है उसके अंदर मैं इस केस में नहीं आएगा, नहीं कुछ बहुत रेयर केसेस में आ जाता है, फिर ये मैंने नोटिस किया है, पहले मेरा भी यही ख्याल था कि नहीं आता, लेकिन कुछ रेयर केसेस में आ जाता है, गड़बड़ हो जाता है। हाँ नहीं ब्रैकेट के बगैर वेल। अच्छा तो हम इसके लिए क्या देखेंगे, एक डॉक्यूमेंट देखेंगे हम, जावा स्क्रिप्ट प्रीसीडेंस, ऑपरेटर प्रीसीडेंस एक्चुअली, ठीक है, ये MDN का डॉक्यूमेंट आ गया है हमारे पास,
मोज़िला वेब डॉक्यूमेंट। अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट मौजूद है, यहाँ पे इन्होंने ना ये वाली चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि यार ये क्या मंजन है, कैसे क्या चीज़ होगी। अगर ये अभी तो ये ऑपरेटर हमने नहीं पढ़ा, ये वाला ऑपरेटर हमने नहीं पढ़ा अभी, ठीक है, ये राइट शिफ्ट भी हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, नाम कवर करेंगे, ये एडवांस चीज़ें हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती आमतौर पर ना वेब डेवलपमेंट में, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। अच्छा ये है वो चार्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे ना भाई तमाम ऑपरेटर्स, जितने भी जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर है ना, उन तमाम ऑपरेटर की यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है और उसका यहाँ पे एक प्रेसिडेंस की वैल्यू लिखी हुई है। जिसकी प्रेसिडेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी उसको पहले किया जाएगा, जिसकी प्रेसिडेंस की वैल्यू कम होगी उसको बाद में किया जाएगा। अच्छा बॉर्ड मास में तो चार चीज़ें कवर होती हैं ना सिर्फ, ब्रैकेट ऑर्डर और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये चार चीज़ें कवर होती हैं, पांच चीज़ें बल्कि। अच्छा ये जावास्क्रिप्ट में तो और भी चीज़ें, ऑपरेटर अभी देख लिया हमने, चार मजीद ऑपरेटर पढ़े, दो माइनस वाले पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, और दो प्लस वाले पोस्ट और प्री दोनों, तो चार ही हमने देख लिए अलग अलग। अच्छा इस तरह के और भी अभी आने वाले हैं आगे, वो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। तो टोटल यहाँ पे ना ये इतने सारे ऑपरेटर हैं, सही है। अच्छा तो जब भी ये वाली कन्फ्यूजन होगी तो आप यहाँ पे आके देखेंगे कि ये क्या चक्कर है। सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, गोल ब्रैकेट, कि अगर कोई बात गोल ब्रैकेट में लिखी हुई उसको पहले किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे ये लिखा होता ना ऐसे, अगर ये मैंने ऐसे लिखा हुआ होता तो इसका मतलब है इन दोनों को सबसे पहले करना है। जब ये इतना ब्रैकेट वाला पार्ट जब सिंगल वैल्यू पे इवेल्यूएट हो जाएगा, जब बाकी की तरफ देखूंगा मैं, उससे पहले नहीं। जो मैथ में भी इसी तरह होता है, तो मैथ की काफ़ी चीज़ें इसमें मिमिक होंगी, जाहिर है मैथ अपनी थोड़ी ईजाद करेंगे, ये मैथ तो बनी हुई है उसी को यूज़ करेंगे। अच्छा इसी तरीके से अब आगे देखो, कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो अच्छा हम इसमें वो वाला देख लेते हैं कि ये रहा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, इसकी जो प्रेसिडेंस वैल्यू है वो 15 है, सही है। इसका मतलब है कि ब्रैकेट के बाद जो हमारा, वैसे तो बीच में एक दो और भी आ रहे हैं लेकिन वो अननोन है हमारे लिए फिलहाल, हमारी जो नोन ऑपरेटर है वो ये दोनों हैं। तो इसका मतलब है कि मुझे सबसे पहले पोस्ट फिक्स वाले को करना था, इंक्रीमेंट भी और डिक्रीमेंट भी, प्री वाले को बाद में करना था, प्री वाला भी कहीं ना कहीं आएगा नीचे वो भी, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इसका ऑपरेटर लिखा कैसे जाता है, प्लस प्लस और माइनस माइनस ऐसे, मतलब ये तीन डॉट जहाँ लिखा हुआ है ना कि एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर होगी वेरिएबल और साथ में ये प्लस प्लस लिखा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा ये जो एम ए है ना, ये एसोसिएटिविटी है, एसोसिएटिविटी का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, तो इसमें क्योंकि ऑपरेंड एक ही है तो इसमें एसोसिएटिविटी मैटर ही नहीं करती। अच्छा अभी हम और आगे आते हैं, अभी आ गया प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, इसकी जो इसका जो प्रेसिडेंस है वो 14 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पोस्ट वाले दोनों करने के बाद फ़ौरन बाद मुझे प्री वाला करना है, जो प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट है उसको सॉल्व करना है। अच्छा इसमें भी एसोसिएटिविटी नहीं है क्योंकि एक ऑपरेंड है। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं हम, उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लीकेशन, जो कि प्रेसिडेंस है जिसकी 12, तो तीसरे नंबर पर मल्टीप्लीकेशन अगर होती तो वो करते, डिवीजन और रिमाइंडर, ये तीन है। अच्छा इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ़्ट टू राइट है, लेफ़्ट टू राइट का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि एक लिखा हुआ है 10, फिर लिखा हुआ है डिवाइड, यानी कि स्लैश, नहीं डिवाइड का स्लैश होता है। अच्छा 10 लिखा हुआ है, डिवाइड लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है 3, है ना। अच्छा तो इसका मतलब है कि 10 जो है, अगर एक केक है उसको हम कहते हैं ये 10 है, तो मैं उसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, है ना, यानी 10 को काट के तो डिवाइड किया जाएगा, ना कि 3 को, तो इसको हम कहते हैं 10/3, है ना, तो ये मैटर करती है। अच्छा इमेजिन करो अगर उल्टा हो जाए कि 3 को काट के 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, ये भी तो हो सकता था ना,
तो ये प्रोग्रामिंग में ये छोटी छोटी डिटेल प्रोग्रामिंग को बतानी, प्रोग्रामिंग में पहले से पता होती है हमें, है ना, ये चीज़ें कि प्रोग्राम को कंप्यूटर तो ना समझ होता है, कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटेशन पावर बहुत होती है लेकिन इंटेलिजेंस तो नहीं होती ना उसके अंदर, तो उसको ये सब बात बतानी पड़ती है कि अगर 10 लिखा हुआ है, डिवाइड लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 10 को काट के डिवाइड करना है, 3 को नहीं डिवाइड करना है ना, ये बताना। अच्छा, इसी तरीके से मल्टीप्लाई अगर है तो मल्टीप्लाई में 10 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई और 3 लिखा हुआ है, तो इसमें एसोसिएटिविटी क्या है कि 10 को एक दफ़ा रखना है, दो दफ़ा रखना है, तीन दफ़ा रखना है, तो ये कितने हो गए, असल में ये बताना चाह रहे होते हैं। तो इसमें अगर अपोजिट भी करें तो फ़र्क नहीं पड़ता कि 3 divided by 10 भी चल जाता है, हाँ 3 multiplied by 10 कि 3 multiplied by 10 भी सेम है और 10 multiplied by 3 भी सेम है, दोनों 30 है, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि एसोसिएटिविटी मैटर नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है, लेकिन जब बड़ी इक्वेशन होती है ना तो इसमें भी कहीं ना कहीं एसोसिएटिविटी मैटर करती है। अच्छा, तो ये तीनों जो है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर, इन तीनों में एसोसिएटिविटी क्या रहेगी, हमेशा लेफ्ट टू राइट रहेगी, ये इन्होंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद 11 है एडिशन, एडिशन में भी क्या है, लेफ्ट टू राइट है, हालांकि इसमें भी ऐसा लग रहा है कि एसोसिएटिविटी मैटर नहीं कर रही है कि 2+2 करें या मिसाल के तौर पर 2+5 है अगर, तो 2+5 करें या 5+2 करें, बात एक ही आएगी, है ना, लेकिन एसोसिएटिविटी कंप्यूटर जो समझ रहा है वो ये यहाँ पे मेंशन है, कंप्यूटर उसको इसी तरह करेगा कि भाई पहले 5 है तो 5+2 है अगर, तो पहले 5+2 ही करेगा वो, यानी वो लेफ्ट से राइट की तरफ उसको कैलकुलेट मारेगा। अच्छा, और आगे आ जाते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे कौन सा एक ऑपरेटर है अभी तक जो नहीं आया है, इसके अंदर प्लस आ गया, माइनस आ गया, इक्वल्स टू नहीं आया ना, असाइनमेंट ऑपरेटर अभी तक नहीं आया है ना, आ जाओ असाइनमेंट ऑपरेटर में। हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये मेरा भाई। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर जो एसोसिएटिविटी है ना वो क्या है, राइट टू लेफ्ट है, उसमें लेफ्ट टू राइट था, यानी इसमें जो था वो लेफ्ट टू राइट था, यानी यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा प्लस है और फिर ये ऐसे होगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होने के बजाय राइट टू लेफ्ट है, यानी कि इतना पार्ट पहले ये इवेल्यूएट करेगा जो भी यहाँ लिखा हुआ है और उसको उठा के इसमें डालेगा, इधर से उठा के इस तरफ कर रहा होगा, यानी तुम्हारे तुम लोगों के गेस में उल्टा होगा, मेरा हाथ उल्टा है, सही है, मतलब मेरा जो राइट है वो तुम्हारा लेफ्ट होगा ना, तुम लोग जो सामने बैठे हो क्योंकि मेरे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इतने पार्ट को पहले इवेल्यूएट करेगा, सही है, आप अपने राइट के हिसाब से सोचें, ये आपके राइट में ही दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, तो ये राइट वाला पार्ट पहले इवेल्यूएट करेगा और उसको उठा के लेफ्ट में डालेगा, सही है। अच्छा, अगर ये अपोजिट होता तो क्या होता, कि वो ये उठा के इसमें डाल रहा होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, तो एसोसिएटिविटी हर ऑपरेटर की मेंशन हुई भी है वहाँ पे, प्रेसिडेंस हर ऑपरेटर की वहाँ पे मेंशन हुई भी है। अच्छा, अब हम इसको प्रेसिडेंस के हिसाब से करते हैं, सही है, प्रेसिडेंस के हिसाब से करेंगे, आंसर सेम आएगा हमारा, है ना, फिर क्योंकि आंसर पहले जैसा कि हमने देखा था कि कुछ चीज़ों में एसोसिएटिविटी मैटर नहीं कर रही लेकिन कुछ रेयर केसेस में मैटर कर जाती है, तो इसी तरह से प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट जो हमने किया था ना वन गो में सीधा सीधा, उसमें एसोसिएटिविटी ने मैटर नहीं किया, रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब हम इसको कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल करेंगे, तो पहले कौन सा बताओ, पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स हमारे पास 1, 2 और 3 है, ये 3 पोस्ट फिक्स हैं, तो इन तीनों को ना पहले यहाँ से शुरू करेंगे इधर से, ठीक है, पहले यहाँ से हम शुरू करेंगे, एक एक करके तीनों को निपटा देंगे। अच्छा, बाय द वे, क्योंकि प्रेसिडेंस ये तीनों की एक है ना, तो तीनों वन गो में हो गई, सही है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे नम 2++ किया मैंने, और तो यहाँ क्या रिटर्न हो गया, यहाँ पे 6 रिटर्न हो गया, लेकिन इमेजिन करो, हाँ यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, क्योंकि 5 थी वैल्यू तो 5 आ गई, लेकिन इमेजिन करो अगर मैं पोस्ट वाला इस तरफ से शुरू करता, अगर यहाँ से शुरू करता तो इसको पहले करता, ऑब्वियसली इसको पहले करता ना, अगर उस तरफ से शुरू करता, यानी मिसाल के तौर पे अगर पोस्ट फिक्स ही हैं, लाइन से सारे पोस्ट फिक्स हैं, तो मैं सबसे लेफ्ट मोस्ट वाले को पहले करूँगा या राइट मोस्ट वाले को पहले करूँगा, तो इमेजिन करो कि अगर मैं इस तरफ से करूँगा ना तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये 3 पोस्ट फिक्स हैं, 1, 2 और 3, तो मैं इस तरफ से करना शुरू करूँगा अगर नम
माइनस माइनस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे थ्री आ जाएगा, सही है। उसके बाद ऊपर ही यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एक टू हो जाएगा। अच्छा फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फाइव ही आएगा लेकिन यहाँ फोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अब यहाँ पे फोर आ रहा है, पहले फाइव आ रहा था यहाँ पे। अगर इस तरफ से करता तो फाइव आ रहा था, उस तरफ से कर रहा हूँ तो फोर आ रहा है। अब कौन मुझे बताएगा कि किस तरफ से बेस्ट है ये करना, मतलब किस तरफ से जावास्क्रिप्ट में होगा, इस प्रेसिडेंस को देखते हुए, इस प्रेसिडेंस को देखते हुए। हाँ भाई, लेफ्ट टू राइट होगा। अच्छा आ जाते हैं इसमें, यहाँ पे कहीं ये बात मेंशन तो नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने ये मेंशन किया हुआ होगा, बाय द वे इस पूरे लंबा डॉक्यूमेंट है ये, इसमें कहीं ना कहीं मेंशन किया हुआ होगा कि सेम प्रेसिडेंस के अगर लाइन से सारे ऑपरेटर आ जाएं तो उसको लेफ्ट से शुरू करेंगे कि राइट से शुरू करेंगे। यहाँ पे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में भी ये जिक्र नहीं है, सही है। अच्छा असाइनमेंट ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस वो है, एसोसिएटिविटी है, ये तो इसमें मैटर नहीं करेगी, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर का तो केस ये है कि राइट वाले पूरे को पहले करना है, और राइट वाले के अंदर कैसे करना है वो तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये इस डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा कि इस केस में, ऐसे केस में क्या करना है, लेकिन अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये लेफ्ट से होगा, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये लेफ्ट से होगा, ये राइट से नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि प्लस वगैरह और जितने भी दूसरे ऑपरेटर्स हैं जो इक्वेशन में नॉर्मली, वो सारे लेफ्ट से शुरू हो रहे हैं, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये भी लेफ्ट से होगा, लेफ्ट वाले को पहले करेगा ये। अच्छा तो लेफ्ट वाले को पहले करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे आएगा फाइव, सही है, और ऊपर हो जाएगा यहाँ सिक्स। अच्छा फिर पोस्ट दूसरा ये, यहाँ पे आ जाएगा सिक्स और ऊपर वापस से फाइव हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे थ्री रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, सही है। तो ये पोस्ट वाले सारे निपटा दिए हमने। अच्छा अगली प्रेसिडेंस किसकी है, पोस्ट के बाद, ठीक है, ये पोस्ट फिक्स 15 प्रेसिडेंस थी, इसको हमने निपटा दिया। उसके बाद हमारे पास 14 प्रेसिडेंस पे ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है, अब इसको निपटाते हैं। माइनस माइनस नम वन, नम वन में इस वक्त टू मौजूद है, यहाँ पे वन हो जाएगा, ठीक है, और एक्चुअल यहाँ पे वैल्यू भी वन हो जाएगी। अच्छा ये तो पूरा निपटा लिया हमने। अच्छा अब इसको कैलकुलेट करते हैं, सिक्स और सिक्स माइनस सिक्स ज़ीरो, और ज़ीरो माइनस थ्री माइनस थ्री, पहले क्या आंसर आया था हमारा पहले हमने वन गो में किया था तो आंसर सही आ रहा था, लेकिन अब हमने रूल के हिसाब से किया तो आंसर गलत आया। अपोजिट साइड से करके देखते हैं, है ना, तुक्का, ये तुक्का था हमारा कि राइट से करना है कि लेफ्ट से करना है सेम प्रेसिडेंस के केस में। तो अब इसको उस साइड से करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा आ जाओ भाई, इसको नम वन थ्री और यहाँ पर टू हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हो जाएगा फाइव और ऊपर फोर हो जाएगा, सही है, यहाँ पे हो जाएगा फोर और ऊपर फाइव हो जाएगा। अच्छा और माइनस माइनस नम वन, वन हो जाएगा यहाँ पे और ऊपर भी वन हो जाएगा। अच्छा वन प्लस फोर फाइव, और फाइव प्लस फाइव ज़ीरो, ज़ीरो माइनस थ्री, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। अच्छा प्लस माइनस में प्रेसिडेंस किसकी पहले है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे। एडिशन सब्ट्रैक्शन कहाँ है, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रिमाइंडर, और ये, अच्छा इसका तो एक ही है तो वन गो में होगा, ये एक ही है तो वन गो में होगा। हाँ भाई क्या लगता है कि क्या गड़बड़ की है हमने,
ये तो गड़बड़ हो गई, कंट्रोल जेड कर लिया ये लोग। एक दफा और आंसर जरा चेक करते हैं, आंसर क्या माइनस वन ही आ रहा था ना, आंसर माइनस वन ही आ रहा है भाई, आंसर तो आंसर ने तो बोला माइनस वन। एक लाइन में तो पोस्ट क्या, ऊपर तो ओरिजिनल अच्छा नहीं, अच्छा अगर ये दोस्त कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम इसको जो रिटर्न वैल्यू है सिर्फ हम उसको देखें और ऊपर उसको चेंज ना करें, ऊपर जो वो है वही रहे, तो वो सही आंसर आ रहा है ये कह रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमने ये हमने पहले भी एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि जब ये चलता है ना तो ऊपर वैल्यू चेंज होती है, ऊपर तो वैल्यू चेंज होती तो है। अच्छा हाँ, ऊपर वैल्यू तो चेंज होती है, तो ऊपर वैल्यू चेंज होगी, कोई सीक्वेंस में कोई गड़बड़ है जो हम, अच्छा तो एक काम करते हैं ना, इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा और ऊपर से पढ़ लेते हैं, इन्होंने पूरा ये सिखाया है ऊपर कि ये कैसे होता है, सही है एक्सप्रेशन जो सॉल्व होती है ना ऊपर पूरा इन्होंने ये करके बताया है। अच्छा वही हम उस पर जाते हैं, ज़रा देखते हैं चल के कि क्या इन्होंने बताया। अच्छा कह रहे हैं कि हम सॉल्व कैसे करते हैं, हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट वी ग्रुप ऑपरेटर्स विथ डिफरेंट प्रेसिडेंस बाय डिक्रीजिंग लेवल्स ऑफ प्रेसिडेंस। कह रहे हैं कि लुक एट द बिट, ये वाला ऑपरेटर जो डबल मल्टीप्लाई वाला है, इट हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, सो इट इज ग्रुप फर्स्ट। सही है, इसको दोनों को एक ग्रुप में कर दिया, ऐसे हो गया ये। अच्छा फिर उसके बाद लुकिंग अराउंड, ये जो डबल एस्टेरिक वाला जो था इसमें जो सिंगल एस्टेरिक है यानी कि मल्टीप्लाई जो है, एंड प्लस ऑन द लेफ्ट, ठीक है तो एस्टेरिक जो है वो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है नेक्स्ट, तो इन्होंने क्या किया कि इसको ना एक और में पैक कर दिया। अबे डिवाइड क्या किया ये इसने, ये कैसे किया इसने, ये जुमला समझ आया, मैं कहीं गुम हो गया बीच में इतने सारे ऑपरेटर में। अच्छा इस ऑपरेटर को कहते क्या है किसी को पता है, पावर का ऑपरेटर है, नीचे नीचे जाके गूगल कर लेते हैं ना, नीचे इसका नाम लिखा हुआ होगा। पावर वाला जो होता है ना वो तो कैप साइन होता है, हैं नहीं मल्टीप्लाई, ये दो वाले का कुछ नाम होता है ना, एक्सपोनेंट नाम होता है, एक्सपोनेंट है सही है, नीचे यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने एक्सपोनेंट है। अच्छा नहीं नहीं एक्सपोनेंट अलग होता है, पावर अलग होता है, एक्सपोनेंट वो होता है जो 10 की पावर वाला होता है कि 10 मल्टीप्लाई बाय दिस 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 और इसकी पावर इतनी, वो एक्सपोनेंशियल एक फॉर्म होता है लिखने का, और पावर जस्ट पावर होता है। अच्छा कह रहा है कि लुकिंग अराउंड द एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन इट हैज़ मल्टीप्लाई ऑन द राइट। अच्छा मल्टीप्लाई राइट पे कहाँ है, अच्छा ये वाले के कह रहे हैं राइट पे मल्टीप्लाई है, सही है हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई है, एंड प्लस ऑन द लेफ्ट हैंड, अच्छा लेफ्ट हैंड पे कह रहे हैं प्लस है तो कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई हैज द हायर प्रेसिडेंस, तो कह रहे हैं कि जो लेफ्ट पे देखा हमने और राइट पे देखा ना, तो जो राइट वाला जो था यानी कि मल्टीप्लाई उसका जो प्रेसिडेंस था वो ज्यादा था, ठीक है सो इट्स ग्रुप्ड फर्स्ट,
तो क्या किया कि इसको क्या कर दिया, एक ग्रुप में पैक कर दिया। ये देख रहे हो, ये सेकंड ग्रुप ये बनाया इसने, सेकंड ग्रुप इसने ये बना दिया। अच्छा, सेकंड ग्रुप में क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड वो एक ही था प्रेसिडेंस, तो दोनों को साथ अंदर ले लिया। अच्छा, फिर क्या किया, अच्छा मल्टीप्लाई डिवाइड हैव द सेम प्रेसिडेंस सो वी ग्रुप देम टुगेदर। नाउ कह रहे कि वो इस तरफ जो था ना मल्टीप्लाई को नहीं, सिर्फ डिवाइड को भी ले लिया क्योंकि दोनों का प्रेसिडेंस सेम था, तो दोनों को अंदर ले लिया। अच्छा, फिर क्या किया लास्ट में, लुकिंग अराउंड, अब ये वाला जो ग्रुप बनाया ना सेकंड ग्रुप, ये यहां तक बनाए, ये यहां तक सेकंड ग्रुप बन गया। लुकिंग अराउंड दिस एक्सप्रेशन, ये जो भी एक्सप्रेशन है, टू हैज द हायर प्रेसिडेंस, सॉरी प्लस हैज द हायर प्रेसिडेंस। अब कह रहा है कि ये जो बचा हुआ माल जो था ना उसके अंदर हमने देखा तो एक ही आखिरी ऑपरेटर बचा हुआ था जो प्लस था और जो उसका सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस उसी का ही था, तो उसको भी पैक कर दिया। गेम समझ आई, कहां पे मिस्टेक कर रहे थे ये भी समझ आ गया कि वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट का चक्कर नहीं है, वो शुरू कहां से होगा गेम, जहां से हायर प्रेसिडेंस होगी ना वहां से शुरू होगा और वो कैस्केड करेगा दोनों साइड में, कि पहले किधर है पहले किधर है वो जोड़ता चला जाएगा, उसके साथ जुड़ता चला जाएगा, ऐसे करके होगा। अच्छा, एक और इन्होंने ये बता के एक और इन्होंने एग्जांपल बताई है, कह रहा है कि विद इन द मल्टीप्लाई और डिवाइड ग्रुप। अब कह रहा है कि यार ये देखो ना यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और डिवाइड दो आ गए, अब इसको कैसे ग्रुप करें, इसमें से भी तो किसी एक को पहले करना होगा ना और किसी दूसरे को बाद में करना होगा, बावजूद इसके कि प्रेसिडेंस दोनों की सेम है, किसी एक को पहले या तो किसी दूसरे को बाद में करना होगा। Because they are both left associative, the left operand would be grouped. कह रहा है कि वो जो दोनों है ना वो दोनों precedence तो दोनों की same थी लेकिन associativity जो थी दोनों की वो left से right की तरफ थी, तो कह पहले किसको किया जाएगा, पहले left वाले को किया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने आप देखो जो तीसरा यहाँ पे group बनाया है, अगर वो तुम्हें नज़र आ पा रहा है, ये पहला group था जो सबसे पहले होगा, उसके बाद ये दूसरा ग्रुप था, सही है, और ये मल्टीपल, अच्छा नहीं ये तो ये अभी चौथे नंबर पे बनाया है, वो ये लिखा हुआ है कि ये चौथे नंबर पे बनाया है, ये तीन तो पहले बना चुके थे यहां तक, एक और ब्रैकेट बीच में डाली है लेकिन अभी एग्जीक्यूट कैसे होगा, ये सबसे पहले होगा है ना, उसके बाद की ब्रैकेट देखो ये होगी उसके बाद, नहीं वो देखो नंबर टू बनाने का सीक्वेंस बताया है, यहाँ पे जो है ना ये वाला वन टू थ्री है, वन टू थ्री, यहाँ पे फोर लिख देते हैं लेकिन फोर यहाँ नहीं लिखा, लेकिन एग्जीक्यूशन तो ब्रैकेट के हिसाब से होगी ना, जो ब्रैकेट लग चुके हैं, असल में ब्रैकेट वो इमेजिनरी लगा रहा है, होगा तो नहीं ब्रैकेट, तो वो कह रहा है सबसे पहले ये होगा एग्जीक्यूट। अच्छा, उसके बाद अगला ग्रुप इसने ये बनाया था ये वाला, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों थे ना, तो पहले मल्टीप्लाई को लिया इसने है ना, पहले इसने मल्टीप्लाई को लिया, पहले मल्टीप्लाई को क्यों लिया इसने, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट था, दोनों लेफ्ट टू राइट था, अगर दो ऑपरेटर एक साथ आ जाए मेरे पास और दोनों अगर लेफ्ट से शुरू होने वाले हैं तो लेफ्ट वाली साइड पहले की जाएगी, यानी क्या होगा, इसका जो भी इसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे फोर से और जो भी इसका आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे फाइव से, तो ऐसे करके होगा ये। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि मैथ में क्या एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, मुझे नहीं पता, ये ऐसे ही होता है। अच्छा, प्रोग्रामिंग में लेकिन यहाँ पे ना देख रहे हो कितनी डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो प्रोग्रामिंग में तो ये ऐसे ही होता है जैसे ये यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ, अब ऐसे करते हैं, सबसे हायर प्रेसिडेंस किसकी है, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो है वो इन दोनों की है, तीन है बल्कि, सही है, तो ये लग गया ब्रैकेट, ये लग गया ब्रैकेट और ये लग गया ब्रैकेट, तो ये तीनों तो पहले होंगे एज इट इज। अच्छा, लेकिन इसमें से पहले कौन सा होगा, पहले एसोसिएटिविटी का चक्कर है, तो पहले इस तरफ से ही होना चाहिए असूलन तो। अच्छा, ये बात अभी भी वैसे क्लियर नहीं हुई कि अगर ऐसे ऑपरेटर जिनमें एसोसिएटिविटी मेंशन ही नहीं है, नॉट अवेलेबल है, तो वो जैसे तीन आ गए ना, ये तो अभी तीन राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, ठीक है, तो हम अभी अज्यूम करते हैं कि लेफ्ट से। अच्छा, ये इन्होंने मेरे ख्याल है अगला
आगे कहीं बात मेंशन की है ये वाली, ये प्लस प्लस माइनस माइनस के साथ इन्होंने ये बात मेंशन नहीं की भी, शॉर्ट सर्किट इन प्रीवियस एंड दिस दिस दिस। आगे कहीं देख लेते हैं कि वो जो एन ए वाले में जो है वो कुछ बात की है इसने क्या। हम पोस्ट फिक्स के अंदर डिटेल में चले जाते हैं कि वहां पे क्या बात हो रही है। मैं यहां पे उन्होंने चेन बनाकर नहीं दिखाई कि ये कैसे होगा। अच्छा, अब उसके बाद जो हायर प्रेसिडेंस है प्लस वाले के बाद वो कौन सी है, वो ये माइनस माइनस वाली है। तो ये ब्रैकेट ऐसे करके लगेगी है ना। अब ये पूरा आखिर तक करके देखते हैं, एजम्पशन पे एक और एजम्पशन ले रहे हैं हम इस वक्त। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, पहले इतने को सॉल्व करते हैं, अब इसको अगली लाइन में सॉल्व करेंगे हम, इसको अगली लाइन में हम सॉल्व करेंगे और कमेंट्स में सॉल्व किया करेंगे हम। अच्छा, तो यहां से शुरू करते हैं। नम टू प्लस प्लस फाइव था, फाइव ही रहेगा और यहाँ पे सिक्स हो जाएगा, सही है। अच्छा, उसके बाद अगली ब्रैकेट पे मूव करते हैं। नम टू माइनस माइनस, नम टू में सिक्स है, यहाँ पे सिक्स ही रहेगा और ऊपर फाइव हो जाएगा, ठीक है। तीसरे पे चलते हैं, नम वन माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पे ये टू हो जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे थ्री ही रहेगा, यहाँ पे टू हो जाएगा। अच्छा, ठीक हो गया जी। अगला काम, अब अगली ब्रैकेट जो है ना ये वाली, और अब इसके साथ है क्योंकि इसको अब हम कैसे पैक करें, प्रेसिडेंस तो इसकी ज़्यादा है, हैं? हाँ भाई, क्या ख्याल है, ये कह रहे हैं कि पहले इन तीनों को तो प्लस कर लेंगे ना ऐसे करके, लेकिन अभी तो हायर प्रेसिडेंस वाला बाकी है, एक बच्चा हमारा ये वाला है ना। आ जाओ, पहले अभी इसे हायर प्रेसिडेंस वाले को करते हैं, यानी अब अगली लाइन में मैं जो कर रहा हूँ वो अगली नेक्स्ट प्रेसिडेंस वाला है। मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझाई, नहीं वो तो हम तो वो उसको ड्राई रन, इसको कहते हैं ड्राई रन करना कि जब चलेगा तो ये होगा, असल में तो हो नहीं रहा, वो तो ज़ाहिर है एग्जीक्यूशन में खुद करेगा वो, हम इसको अभी एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होगा, ये ड्राई रन कहते हैं इस प्रोसेस को। नहीं तो तुम क्या कह रहे हो कि अभी क्या करना चाहिए नेक्स्ट, नहीं तीनों को कैसे करना चाहिए, ये प्लस की और ये माइनस की प्रेसिडेंस 12 है और ये पोस्ट इंक्रीमेंट की 13 और 14 है, तो पहले 13 और 14 वाला कंप्लीट होगा जब 12 पे पहुंचेगी ना कहानी, है ना, क्या ख्याल है फिर। अच्छा, तो इस वाले से अब शुरू होगी कहानी। अच्छा, इस वाले को हम कर देते हैं माइनस माइनस नम वन, है ना, नम वन में ये वन हो गया, सही है, और ये ऊपर भी वन हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो चुका है, काइंड ऑफ ये हो चुका है कुछ 1563। अब हम अगेन वहीं पे पहुंचे हुए हैं जहाँ पहले थे, ठीक है, 1 + 5 = 6, 6 - 6 = 0, अच्छा ये दोस्त कह रहे हैं कि यार पहले इन तीनों को ना सम कर लेंगे हम, पहले इन तीनों को पहले सम कर लेंगे, तो वो करके देखते हैं हम। अगर 5 - 6 - 1 - 1 और - 3 करके देखते हैं, एक मिनट, 5 - 6 जो है वो -1 है,
माइनस वन और माइनस थ्री कितना होगा? माइनस टू होगा, ये माइनस टू होगा, ये माइनस वन माइनस थ्री जो है वो क्या होता है? माइनस फोर होता है। आर यू श्योर? करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टर्मिनल भी तो होता है ना, माइनस वन और माइनस टू, माइनस थ्री होता है। माइनस वन और माइनस थ्री, अच्छा माइनस थ्री थ्री था ना ये, हाँ सॉरी माइनस टू मैंने गलत से लिख दिया था, अच्छा माइनस फोर हो गया। अच्छा तो ये दोनों मिला के माइनस फोर आ रहा है, माइनस फोर आ रहा है, अभी भी माइनस थ्री आ रहा है। नहीं रूल के वो वन को में करने से जवाब तो सही आ रहा है, लेकिन रूल कह रहा है कि वैसे नहीं होता है, हो सकता है लेकिन नहीं हो सकता, वो हजारों लोग देख रहे हैं उसको, वो गलत होगा तो कोई ना कोई मेंशन करेगा। अच्छा अगर सब लोग जाके घर पे इसको ट्राई करके देखिएगा, अगर वाकई गलत है तो हम उसको मेंशन करेंगे, फिर हम उनको बताएंगे कि यार आपने गलत लिखा हुआ है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके, नहीं वैसे तो फिर वो जो हम करेंगे वही होगा, लेकिन इस सेम एक्सप्रेशन के अंदर कौन से वाले को पहले करता है ये वो मैटर करता है। अच्छा इसको ज़रा आप दोबारा से रन करके देखते हैं, आंसर तो माइनस वन ही आ रहा है भाई लेकिन माइनस वन कैसे आ रहा है ये अभी तक समझ नहीं आया कि ये माइनस वन कैसे आ रहा है। अच्छा क्योंकि ये क्वेश्चन फैब्रिकेटेड नहीं था, ये मैंने वैसे ही रैंडमली लिखा था, तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों हो रहा है। रूल तो सारे हमने सही ड्राई रन में हमने लगा कर देखे, लेकिन वो माइनस वन लेकर आ रहा है। अच्छा लेकिन अभी कुछ हो या नहीं हो, अगर ये आंसर सही आना गलत आना मैटर नहीं करता, आपको रूल समझ आ गया, आपको प्रेसिडेंस की समझ आ गई, कैसे पहले कैसे बाद में होता है वो चीज़ समझ आ गया, एक्सप्रेशन सॉल्व एक्चुअल में होता कैसे वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इस सर्टेन एक्सप्रेशन के अंदर थोड़ी गड़बड़ है, कुछ एडवांस किस्म की चीज़ हो रही है इसमें जो हमारे समझ से ऊपर है, लेकिन ओवरऑल जो मकसद था वो अचीव हो गया। ये एक्सरसाइज करने से जो हमारा ओवरऑल मकसद था वो अचीव हो गया है ना। हमने प्रेसिडेंस ऑपरेटर के प्रेसिडेंस देख लिए, हमने ये देख लिया कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, एक्सप्रेशन सॉल्व ग्रुपिंग करके कैसे होगा, वो चीज़ें हमने देख ली, तो हमारा मकसद काइंड ऑफ अचीव हो गया। ठीक है अच्छा एक दो एक्सप्रेशन अब घर जाके ना खुद से बना के आपने इसको सॉल्व करके देखना है, जैसे मैंने रैंडम लिखा है ऐसी रैंडमली लिखना, कुछ एक्सप्रेशन लिखना और जो रूल उन्होंने बताया उस रूल को अप्लाई करके उसको पहले ड्राई रन करना और फिर एग्जीक्यूशन में देखना कि सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा ये करना क्यों ज़रूरी है भाई, क्वेश्चन ये है कि अगर वो कैलकुलेशन कभी भी खुद से तो नहीं करनी मुझे ऐसे जो मैं अभी करके देख रहा हूँ, तो ये करना ज़रूरी क्यों है? वो तो कंप्यूटर करेगा कैलकुलेशन, मैं जस्ट उसको एक्सप्रेशन दूंगा। अच्छा इस तरह का एक्सप्रेशन शायद ही बहुत रेयरली कभी इस तरह का एक्सप्रेशन है कि चार हैं और दोनों में ऑपरेटर्स भी लगे हुए हैं और फिर वो प्लस भी चल रहा है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें एग्जैक्टली पता हो कि बिहेवियर क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बिहेवियर है ना वो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या है। हाँ प्रोग्राम बनाएंगे कैसे हम? अच्छा तो लिखा हुआ प्रोग्राम ना आज के बाद हम जितनी भी एक्सरसाइजेस करेंगे उसको हम डायरेक्ट रन करके नहीं देखेंगे, उसको पहले हम ड्राई रन करेंगे कि अच्छा यार ये कोड मैंने लिखा है इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। ठीक है तो ड्राई रन हम उसके ऊपर चला करेंगे आज से। अच्छा ड्राई रन में अगर रिजल्ट सही आ रहा है हमारा तो हम उसके बाद उसको हम चला कर देखेंगे, जस्ट टू वेरीफाई कि हमने गलत ड्राई रन तो नहीं कर लिया। ठीक है बार बार उसको चला के देखना, यानी एक साइड पर रिजल्ट खोल के एक साइड पर कोडिंग खोल के, वो लगता तो बहुत अच्छा है और प्रोफेशनली काम होता भी वैसे ही है, जो बात है वो होता भी वैसे ही है, लेकिन टोटली डिपेंडेंट हो जाना कि अच्छा यार तुक्का मारे शायद सही आ जाए तुक्का मारे, ये नहीं होना चाहिए। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या रिजल्ट आना चाहिए और वही रिजल्ट आना चाहिए, तो इसका मतलब है आपका कोड सही है। ठीक है क्योंकि प्रोग्रामिंग में कोड लिखना जो होता है वो सबसे आखिरी काम होता है, जो कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है जब, तो उसका कोड लिखना कोड एडिटर पे जाके ये सबसे आखिरी काम होता है, लास्ट काम होता है। सही है कोडिंग लिखने से पहले ना आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है, अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि आपने क्या लिखना है और आप कोडिंग लिखने बैठ गए
तो क्या होगा, वो टाइम एक तो बहुत लगेगा और कभी भी वो कंप्लीट नहीं होगा, बहुत लंबा होता चला जाएगा वो। बीच में आपको ख्याल आएगा अच्छा ये भी कर देता हूँ, अच्छा ये भी कर देता हूँ, वो लंबी होती चली जाएगी, कुछ भी नहीं होगा उसका हल। यही वजह है कि अच्छा ये काम किसका होता है, ये काम होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है कि रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करें, रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करके उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट बना दें कि यार ये काम करना है। अच्छा उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करेगा, वो जो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है वो डेवलपर को दे देता है कि भाई ये लो इसको कोडिंग शुरू करो। अच्छा डेवलपर का काम क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करना है। डेवलपर की डेफिनेशन ही यही है, ठीक है। कोई भी लाइब्रेरी हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, लॉगिन का पेज हो, साइनअप का पेज हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, लिखे हुए डॉक्यूमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस है उसको पढ़ के उसको अगर वो चला लेता है, जो भी हमने किया है, हमसे चला नहीं लेकिन डॉक्यूमेंट पढ़ के हमने कोशिश की चलाने की, तो यही डेवलपर की डेफिनेशन है कि डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं आप, डॉक्यूमेंट को समझ के उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। लॉगिन का पेज बनाना है, उसमें जो रूल्स लिखे हुए हैं कि अच्छा इस तरह का होना चाहिए लॉगिन पेज, वो आपसे बन रहा है, तो यही डेफिनेशन है डेवलपर की, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट हर दफ़ा अलग आता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो रिक्वायरमेंट जो गैदर करता है, ज़ाहिर है हर कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो वो अलग अलग रिक्वायरमेंट गैदर करके आपको देता रहेगा, आप उसको बनाते रहेंगे, यही डेफिनेशन है डेवलपर की, ठीक है। तो हमारे पास अभी टाइम है थोड़ा सा। अच्छा तो क्यों ना एक और एक्सप्रेशन किया जाए ऐसा। हाँ इसको कमेंट कर दिया, ये कहीं नहीं जा रहा ये कमेंट हो गया है यहाँ पे अनसॉल्व, इसमें मैं लगा देता हूँ टू डू अनसॉल्व। सही है अनसॉल्व कोड, इसको आप सब लोगों ने सॉल्व करना है, और नेक्स्ट क्लास में आगे मुझे बताना है कि हम इसमें ड्राई रन करने में क्या मिस्टेक कर रहे थे। अच्छा एक और छोटा सा करके देख लेते हैं हम एक्सपेरिमेंट, है ना। इसी नम वन नम टू की एनालॉजी को लेके एक मैं और बना लेता हूँ यहाँ पे। सही है जी। अब की बार हम सिर्फ पोस्ट वाला इस्तेमाल करते हैं, प्री वाला इस्तेमाल ही नहीं करते, ठीक है। टू मेक इट सिंपल, टू कीप इट सिंपल, हम सिर्फ पोस्ट इंक्रीमेंट वाला इस्तेमाल करते हैं, प्री वाला नहीं करते। अच्छा तो मैंने कहा कि लेट रिजल्ट इक्वल्स टू चलो भाई आ गया तो छा गया ठा करके हैं, प्लस माइनस वाले ने तो सही दिमाग के ढक्कन खोल दिए। हाँ भाई क्या आएगा यहाँ पे रिजल्ट, व्हाट डू यू थिंक। पहला जवाब आ गया माइनस थ्री। अच्छा क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का इस्तेमाल किया तो इसमें वो एक एलिमिनेट हो गया, तो ये वन गो में ही होगा एक्चुअली। ये अब क्या होगा, ये वन गो में होगा सीधा सीधा, क्योंकि उसमें तो प्री वाला भी था तो उसको मुझे बाद में अलग से करना पड़ रहा था, तो सिर्फ वो चीज़ मैंने एलिमिनेट कर दी है कि यार एक सही जवाब करके जाए ना, सेंस ऑफ अचीवमेंट कम से कम हो एट द एंड। माइनस थ्री पहला जवाब आ चुका है भाई, माइनस वन दूसरा जवाब आ चुका है। मैं भी इतने में जल्दी से इसको करूं ज़रा। अच्छा जी फाइव और यहाँ पे ये हो जाएगा सिक्स। माइनस नम वन प्लस प्लस, यहाँ पे थ्री रहेगा
और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, माइनस 5 एक और जवाब आ चुका है भाई। नम वन की वैल्यू है 4, 4 ही रहेगा और ऊपर जो है वो 5 हो जाएगा। अच्छा नम वन की वैल्यू है अभी 5, तो यहाँ पे 5 रहेगा और ऊपर 6 हो जाएगा। नम टू की वैल्यू है 6, यहाँ 6 रहेगा और ऊपर जो है वो 5 हो जाएगा। अच्छा ये ऊपर वाली वैल्यू को लास्ट हमने प्रिंट नहीं करवाया था, ऊपर वाली वैल्यू को भी प्रिंट करवा के देखेंगे कि जो हमने ऊपर की वैल्यू को जो सोचा हुआ है कि अच्छा ये हो जाएगा, तो वो भी क्या वाकई हो भी रही है नहीं हो रही, तो वो भी अभी करके देखेंगे हम। अच्छा तो पहले तो लेकिन इसका रिजल्ट निकालें हम। 5 - 3 2 और 2 + 4 6 और 6 - 5 1। अच्छा 1 - -6 -5। अच्छा तो -5 अभी तक लग रहा है कि ऐसा है कि रिजल्ट होने वाला है, -5 सही रिजल्ट है। अच्छा अब ये ऊपर वाले दोनों वेरिएबल को हमने लास्ट करके नहीं देखा था, इस दफ़ा वो भी करके देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक शक है कि पता नहीं ऊपर वाला वो इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा नम वन और नम टू, तो नम वन में आना चाहिए 6 और नम टू में आना चाहिए 5, तो 6 और 5 आना चाहिए, 6 और 5 सही है। पिछले वाले में भी हाँ, पिछले वाले में वो अनसॉल्व है ना हमारा, उसको करके देखते हैं ज़रा कि उसमें क्या ऊपर वाली वैल्यू जो 1 और 5 हमने सोचा है वो क्या सही आ रही है या उसमें भी कोई गड़बड़ है। मे बी हमें वहाँ से कोई क्लू मिल जाए कि क्या गड़बड़ है। अच्छा जी तो हमारे इस केस में जो है वो नम वन 1 होना चाहिए और नम टू 5 होना चाहिए, तो 1 और 5 आना चाहिए, वो तो 1 और 5 सही आ रहा है, नीचे रिजल्ट जो है वो गड़बड़ है, नीचे जो रिजल्ट जो है वो गड़बड़ है। ये दोनों तो हमने सही कैलकुलेट किया, 1 और 5 ही है ये। हाँ भाई मज़ा आ रहा है। देखो भाई प्रोग्रामिंग मुश्किल चीज़ है और मुश्किल काम के ही पैसे होते हैं, आसान काम के कोई पैसे वैसे नहीं होते। अभी हो सकता है आप में से ना आज के बाद आए ना कोई, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे आज के बाद बोलेंगे भाई बस हो गई मेरी। अच्छा तो ये आपके लिए अच्छी बात है, बाकी जो बचे हुए लोग हैं है ना, क्योंकि इससे पता क्या चला कि ज़्यादा हो सकता है कोई बिल्कुल कोर्स कंप्लीट करके करियर में जाके भी भाग जाए क्या भाई यार ये मैं कहाँ आ गया, तो मेरे लिए ये अच्छी बात है ना, मेरी डिमांड बनी रहेगी, किसी और से होगा नहीं, मेरी डिमांड बनी रहेगी, मैं जितने पैसे मांगूंगा मुझे मिलेंगे, सही है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इसको मैं वापस कमेंट कर देता हूँ और नीचे वाले का कमेंट मैं ओपन कर देता हूँ, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। स्टिल मैं बताता चलूँ आपको कि अभी हम उस फेज़ में दाखिल नहीं हुए जहाँ पे हम ये सीखेंगे कि ये इस्तेमाल करेंगे क्या करने के लिए, इससे करेंगे क्या, इससे अभी जस्ट हम उस फेज़ में हैं कि हम इसका फिनोमेना देख रहे हैं कि ये एक जो इसका फिनोमेना है ना उसको डिस्कवर कर रहे हैं कि ये करता क्या है, कैसे चलता है ना। अच्छा ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, ये बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट ना सबसे पहला यही होता है, जो छोटा बच्चा होता है ना आप उस पर अगर गौर करें, उसकी क्यूरियोसिटी पर गौर करें अगर आप, तो वो हर चीज़ की ना वो फिनोमेना ऑफ नेचर को चेक करता है। अगर सामने मोमबत्ती जल रही हो ना तो वो हाथ मार के चेक करेगा कि यार ये है क्या, करता क्या है ये, उसके हाथ में आप कोई प्लेट प्लेट देंगे ना तो वो उसको छोड़ देगा, फेंक देगा, हाँ सही है। उस प्लेट को वो देखेगा कि इसको नीचे गिराने से क्या होता है, वो टूट जाएगा, ठीक है, तो वो उसका एक्सपेरिमेंट होता है। अच्छा इस एक्सपेरिमेंट को रोकना नहीं चाहिए बाय द वे, ठीक है, बेहतर ये है कि उसको एक्सपेरिमेंट करवाएं आप मज़ीद, क्योंकि वो जितनी जल्दी इन चीज़ों से फेमिलियर हो जाएगा ना कि अच्छा यार ये ऐसा ट्रांसपेरेंट दिखने वाली जो चीज़ है वो छूटेगी तो वो टूट जाएगी, अच्छा वो टूटने के बाद जो वो शीशा है जो वो उस पर भी हाथ मारेगा कि ये अब शीशा क्या करता है, उससे उसका हाथ कट जाएगा तो उसको समझ आ जाएगा अच्छा जो ट्रांसपेरेंट दिखने वाली चीज़ है ये गिरती है तो ये
पीसेस में बन जाती है और वो पीस से हाथ कटता है और हाथ कटता है तो वो हो जाता है ना, उसमें से खून निकलता है फिर, ठीक है। अच्छा, खून निकलने से क्या होता है उसको ये भी नहीं पता, लेकिन उसको ये पता है कि जैसे ही खून निकलता है ना मम्मी फ़ौरन भागते जाती है। तो भाई ये सीख रहा है, ये एक उसका स्टेप है सीखने का, है ना। बिल्ली उसको तो बिल्ली का गर्दन पकड़ के वैसे खींच के सीधा करके, फिर बिल्ली ने जिस दिन पंजा मार दिया उसको समझ आ जाता है कि ये बाउंड्री थी, इससे ज़्यादा करेंगे तो बिल्ली पंजा मार देगी, है कि नहीं। तो ये बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, इंसान जो बचपन में सीखता है ना, मट्टी मट्टी में बच्चा देखता है, वो मट्टी को मुंह में भी डाल के टेस्ट भी करेगा कि खाने में कैसा है, ये लगा के बॉडी पे मल के भी चेक करेगा उसको। ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट शुरू ही यहाँ से होती है। तो प्रोग्रामिंग भी आपको उसी इंस्टिंक्ट से सीखनी है कि एक एक जो चीज़ है ना इसके अंदर, उसको आप चला चला के देखेंगे कि अच्छा ऐसे करूँगा तो क्या होगा, ऐसे करूँगा तो क्या होगा, ऐसे करूँगा। जब आप अच्छी तरह फैमिलियर हो जाएंगे तो फिर आप जो वो उसको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो बाद में उसको पता चल जाता है कि शीशा के क्या बेनिफिट्स हैं, वो शीशे को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करता है। उसको पता चल जाता है कि मोमबत्ती के बेनिफिट्स क्या हैं। हाथ तो जल जाता है वो तो सही है, लेकिन बेनिफिट्स भी हैं उसके क्या, ठीक है, कि वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो उससे वो खाना पकाना शुरू कर देता है। तो ये अगला फेज़ हमारा होगा कि जब हम क्या करेंगे, इन तमाम अवेलेबल टूल्स को जो प्रोग्रामिंग में मौजूद हैं उसको हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे अपने मकसद के लिए। अच्छा, एक चीज़ और भी समझ लो, कुछ लोगों का ये ख्याल है, बल्कि कल ही मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी बैठे हुए थे हम, उसको मैं कन्वेंस कर रहा था कि भाई प्रोग्रामिंग सीख ले थोड़ी बहुत। बाय द वे, अगर आप में से किसी को नहीं पता तो मैं, मेरा ये मानना है कि आज से 5 साल 6 साल बाद जो पान का खोखा भी चला रहा है ना, उसको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अगर उसको प्रोग्रामिंग नहीं आती होगी उसकी जॉब ख़त्म हो जाएगी। अबे आपको शायद बिल्कुल ही अजीब बात लगी है, लेकिन इस पर मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो पान बेचने से लेके जो आम बेच रहा है, ठेला लगा रहा है, जो प्याज आलू प्याज बेच रहा है ना, उसको भी आज से 5 साल बाद बेसिक प्रोग्रामिंग ये वाली जो पढ़ रहे हैं ये उसको आनी चाहिए। अगर उसको नहीं आती होगी उसकी जॉब ख़त्म, सही है। अब ये कैसे होगा ये एक लंबी बहस है, ये किसी दिन के लिए रखते हैं। तो मैं उसको यही कन्वेंस कर रहा था, वो इलेक्ट्रिशियन है, प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन है वो, और क्या कहते हैं वो ठेके वगैरह पकड़ता है, दोस्त है मेरा बड़ा अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये तेरा जो ठेका है ना ये भी जाएगा, जो बिल्डिंग बनाने का ठेका है, क्योंकि वैसे भी 3D प्रिंटिंग आ रही है, कुछ दिनों बाद मशीनें होंगी जिससे जिसमें प्रोग्राम करके आप छोड़ देंगे वो मशीन खुद तैयार करती रहेगी। नहीं है बहुत टाइम, नहीं है बहुत टाइम। कनाडा में इस वक्त राइट नाउ ऐसी कंपनीज आ चुकी हैं जिनको आप कहेंगे ना कि ये घर बना दो आगे, तो वो अप्रूव नक्शा आपसे लेंगे ना, 3D प्रिंटिंग करके चले जाएंगे वहाँ पर। अच्छा, 3D प्रिंटिंग वो वहाँ पे ला के नहीं करते, सऊदीया वगैरह में तो किए वो वहीं पे ला के कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि कनाडा के अंदर पॉपुलेशन बहुत डेंस है, लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे ना, आपको पता है पूरा कनाडा एक कोने में रहता है, बाकी पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो जहाँ पे आवाम रहती है ना वहाँ पे कंजेस्टेड है जगह, तो वहाँ पे जाहिर है वो बड़ी मशीनरी को लगा नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं अपने पास फैक्ट्री में ना 3D प्रिंट करके और पीसेस में करके बड़े बड़े ट्रक्स में लेकर आते हैं और ला के जस्ट उसको असेंबल करते हैं, नट बोल्ट से टाइट करके चले जाते हैं। ये हो रहा है सऊदी अरब में, ये 3D प्रिंटिंग PVC वाली भी हो रही है। जो शाह फहद का जो ऑफिस है ना उसके बिल्कुल सामने अगर आप देखें ना, वहाँ पे वो वाइट सा, वो चकोर सा उसने बना के वो सैंपल रखा हुआ है। गूगल पे सर्च करना, गूगल मैप पे कि शाह फहद का जो ऑफिस है वहाँ पे स्ट्रीट मैप लगाना, स्ट्रीट व्यू, क्योंकि ज़ाहिर है जा तो नहीं सकते फ़ौरन सारे लोग लेकिन गूगल मैप में तो देख सकते हैं ना। तो गूगल मैप में वो शाह फहद के ऑफिस पे लाके छोड़ोगे ना उसको, मुन्ने को छोटा सा मुन्ना होता है, उसको खींच के लाके छोड़ोगे, स्ट्रीट व्यू कहते हैं, देख लेना वो स्ट्रीट व्यू कैसे खुलता है। तो वहाँ पे आप देखोगे वाइट कलर का ना वो बना के उन्होंने रखा हुआ है, और अंदर जाओ आप उसमें वो PVC का बना हुआ है पूरा रूम, मेन रोड पर ही रखा हुआ है उन्होंने, और अंदर जाके उस देख सकते हैं, अलाउ करते हैं वो कंपनी है, आपको चाहिए वैसा अगर आप बोलेंगे बना के चले जाएंगे वो। तो ये ख़त्म हो गया, ये सीमेंट वाला स्ट्रक्चर ये सिर्फ हमारे यहाँ बनता है, ये पूरी दुनिया में इसका तासुर ख़त्म हो चुका है। मिसाल के तौर पे हमारे ख्याल में जो बेस्ट घर होता है वो क्या होता है, RCC का होता है, लेकिन RCC आउट ऑफ डेट है, आउट ऑफ डेट चीज़ है ये RCC जो, क्योंकि जहाँ पे वो जलजला प्रूफ वाले पे हम चले गए ना अब, तो वो फिर लकड़ी का स्ट्रक्चर है, फिर स्टील का स्ट्रक्चर है। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो टूटा था वो RCC का थोड़ी बना हुआ था, RCC में इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं बन सकती, बुर्ज खलीफा जितना बड़ा है उतना बड़ा स्ट्रक्चर RCC में बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। RCC की मैक्सिमम जो लिमिट है वो यही है जो हमारे है ना, 25-30-50 मंजिला, बस उसके ऊपर नहीं जा सकते आप। अगर आपको जाना है ना 250
350 मंजिले पे जाना है अगर, तो वो आरसीसी में पॉसिबल ही नहीं है। उसमें फिर होगा ये कि आपको उसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, तो बिल्कुल बांस की तरह इतना लंबा खड़ा हुआ बुर्ज खलीफा जो है वो तो नहीं बन सकता आरसीसी में, तो वो अलग आर्किटेक्चर है। अभी वो बीजिंग में गालबन एक बना रहे हैं बिल्डिंग, वो पूरी स्टील की वायर से लटकी हुई बिल्डिंग है, वो एक पिलर है बीच में उसके, वो पता नहीं किस चीज़ का पिलर है, शायद वो भी आयरन कास्ट होगा कुछ इस तरह की चीज़ हो। बाकी की जो पूरी बिल्डिंग है ना वो बीच उसमें लटकी हुई है स्टील वायर से। लंदन ब्रिज का आप आर्किटेक्चर देखें, वो स्टील वायर से लटका हुआ ब्रिज है वो। हमारे यहाँ तो आरसीसी का ब्रिज होता है ना, जो ये नेटी जेटी का पुल है ये आरसीसी वाला स्ट्रक्चर है, ये नीचे पिलर्स हैं मोटे मोटे, ऊपर कॉन्क्रीट रखा हुआ है, कॉन्क्रीट के ऊपर डामर है, वहाँ पे वो नहीं है, नीचे कुछ है ही नहीं उसके, वो ऊपर से लटका हुआ है, यूँ लटकाया हुआ है उसको। हाँ पेरिस में गालबन। तो ये तो आर्किटेक्चर जो हम समझते ना बेस्ट है जिसको, वो आउट ऑफ डेट हो चुका है। हम अपडेट नहीं हुए और कोई मसला नहीं है। अच्छा क्या आता है नाम उसका, सिंध, दरिया सिंध का ब्रिज। अच्छा वहाँ मैं गया नहीं हूँ, पोल्ट्री का मैंने देखा नहीं है। हाँ नहीं बस वो असल बात ये है कि जो ओवरऑल ना पूरे पाकिस्तान में हम अपडेट नहीं हुए, हमारा जो मजदूर है। अच्छा हाँ नहीं लेकिन इन जनरल तो नहीं देखने को मिलता ना, ये बात है असल। कहीं कहीं पे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है पायरामिड्स भी दरियाफ्त हो गए अब तो कहीं कहीं तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। हाँ बलूचिस्तान में एक दरियाफ्त हुआ है पायरामिड तो, लेकिन इन जनरल जो चीज़ है वो है ना असल। तो हमारा जो मजदूर है, हमारा जो ठेकेदार है, हमारा जो सिविल इंजीनियर है, वो अपडेट नहीं हुआ, वो अभी तक उसी पे चल रहा है पुराने वाले पे। अच्छा अभी आज से कुछ साल पहले तक जब मैट्रिक के ज़माने में था तो हमारे अम्मा को किसी ने वो पट्टी बढ़ा दी कि भाई इस बच्चे को ना मैकेनिकल इंजीनियर में करा दो। अब वो एक लंबी कहानी है कि मैं कैसे बच गया उससे, लेकिन उस ज़माने में तासुर यह था कि यार इंजन तो सालों से एक ही चल रहा है, इसमें तो कोई जिद्दत नहीं आ रही, तो इसको एक दफ़ा सीख लो ज़िंदगी भर बैठ के पाओ। प्रोग्रामिंग में उसी वक्त मेरी अम्मा को बोल के चले गए कि क्या सिखा रही हैं आप, किस में लगा दिया, इसमें तो ज़िंदगी भर पढ़ते ही रहना पड़ता है। तो ये तो भाई हर फील्ड में के, अच्छा किसी फील्ड में नहीं पढ़ना पड़ रहा ना तो इसका मतलब है कि हम उससे आउट होने वाले हैं। जिद्दत तो हर फील्ड में आ रही है, कंप्यूटर की वजह से इन जनरल हर फील्ड में जिद्दत आ गई है, और कंप्यूटर के अलावा भी जिद्दत आ रही है। मिसाल के तौर पर अगर आप डॉक्टर्स की बात करें, मेरी अम्मी डॉक्टर हैं, हर कुछ दिन के बाद ना कोई नया वायरस आता है, कोई नई बीमारी आती है, कोई नया फ्लू चलता है, कोई इन्फेक्शन चल जाता है, मीटिंग होती है, ठीक है, वो ट्रेनिंग व्रेनिंग होती है, अवेयरनेस होता है। भाई डॉक्टरों को तो बताना पड़ेगा ना कि क्या हो रहा है। अच्छा आम लोगों को पता नहीं चलता, आम लोगों के लिए जैसे कोरोना जब आया था तो आम लोगों के लिए बहुत बड़ा वो था, लेकिन मेरी अगर आप बात करें तो मेरे लिए था कि यार एक और आ गया, अब ये पूरा हफ्ता गया ये वाला, है ना, पूरे हफ्ते वो सुबह से शाम तक ट्रेनिंग होगी, अभी क्या आया, अवेयरनेस होगी सारी, इस तरह की जो भी इनके मामलात हैं जिस तरह ये लेके चलते हैं डॉक्टर्स को। तो लेकिन वो बाद में फिर मुझे पता चला कि नहीं यार ये कुछ मंजन अलग है। उससे कुछ दिन पहले आया था कॉन्गो वायरस आया था, वो भी इसी तरह हुआ था उस, लेकिन वो नहीं इतना वो हुआ, उससे नुकसान नहीं हुआ था, वो फिर आई गई हो गई बात, उसमें कौन सी दवा मुफीद होगी, क्या होगा, क्या रिसर्च हुई है रिसेंट, तो वो ये हर थोड़े दिन पे हो रहा होता है, और वो पूरा ट्रेनिंग के बाद पूरा टेस्ट होता है उसका कि यार जो भी आपने सुना है ना वो आपने क्या मेमोराइज कितना हुआ, आपको समझ कितनी आई बात, वो टेस्ट भी होता है, उसमें स्कोर आता है बाकायदा। तो ये तो टेस्ट चल रहे हैं कंटिन्यूस, ये आप छोड़ दें कि जो कॉलेज का एग्ज़ाम हुआ है वो आखिरी था, कॉलेज का एग्ज़ाम तो पहला था, अभी तो टेस्ट होते रहेंगे ज़िंदगी भर। और कोई मिसाल जो गाड़ियों की जैसे बात करें तो इंजन तो भाई जब से बना है वो स्टीम इंजन था, उसके बाद पेट्रोल का इंजन आ गया, बस उसमें यूरो 2 आ गया, उसमें वो कैटालिटिक कन्वर्टर आ गया, इंजेक्टर हो गया, ख़त्म हो गया वो कार्बोरेटर का सिस्टम, इंजेक्टर आ गया, और हम नहीं अपडेट हुए भाई। अभी भी आप देखें जापानी गाड़ी जो आती है उसका बोनट उठा के देखें, कुछ अलग ही इंजन होता है वो। हाँ और हमारे वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं इंजन ही चेंज कर लो इसका। हाँ इंजन बोलते हैं चेंज कर लो, कोई मसला हो गया ना चेंज कर लो, रिपेयर वेपेयर का कोई सीन नहीं है उसका, क्योंकि आता ही नहीं है ना। सही है, और वो मिल भी इतने सस्ते जाते हैं, इतना स्क्रैप में निकल रही है उनकी, इंजन भी इतने भरे पड़े हैं, वो बंदा कहता है यार चलो सस्ते मिल रहा तो डाल ही दो। तो कोई चीज़ का जो है ना हमारे यहाँ सही करने वाला ना बनाने वाला मौजूद है। कोई अगर आपने माइक्रोवेव वगैरह मंगवा लिया ना कहीं बाहर से, कोई आप US कैनेडा वनेडा गए, आपने कोई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, कोई एयर फ्रायर बहुत ही जदीद किस्म का आपने देख लिया, आप लेकर आ गए, अब वो जब तक चल रहा है वो जब तक चल रहा है, जिस दिन वो ख़राब हुआ ना बस ख़त्म गेम होगा। मैं
जो मैंने माइक्रोवेव घर पे रखा हुआ है वो डॉलेंस वाले का है। वो क्यों मैंने रखा है, क्योंकि डॉलेंस वालों की सर्विस है, वो घर आके बना के जाते हैं। अगर कोई मसला हो तो फ़ोन करो, घर आ जाते हैं, वो बना के चले जाते हैं। वैसे मेरी ख्वाहिश थी कि कोई यूरोपियन कंपनी से मैं कोई लूँ, कोई अच्छा वाला जिसके अंदर वो कन्विक्शन भी हो, वो एयर फ्रायर भी हो और माइक्रोवेव भी हो, तो बहुत कुछ आ गया अब तो उसमें। लेकिन वो सादा बेचारा मैं, वो सादा वाला टूटी वाला, टूटी घुमाने वाला माइक्रोवेव, वो रखना पड़ता है। क्योंकि मैं ले आऊँगा अगर कहीं से अच्छा वाला है, इम्पोर्ट, एक तो इम्पोर्ट भी भैंस की टांग हो गई है इतना डॉलर वॉलर ऊपर गया बंदा, क्या इम्पोर्ट की बात करे। फिर उन्होंने इम्पोर्ट पे वैसे ही पाबंदी लगाई हुई, लेकिन जस्ट इन केस अगर मैं अपने दिल को तसल्ली के लिए कोई मैं लेकर आ गया कहीं से इम्पोर्ट विम्पोर्ट करा के, कोई अमेजोन से मैंने ड्रॉप शिपिंग करके कोई ना कोई जुगाड़ करके मंगवा लिया, उसके बाद यहाँ पे उसको सही कौन करेगा अगर वो ख़राब हुआ तो? ख़राब तो होगा, ज़ाहिर है डेली यूज़ हो रहा है, ख़राब तो होगा, मेंटेनेंस कुछ तो आएगी उसके अंदर, कोई नहीं है। कोई अच्छी वाली स्त्री भी हो ना किसी के घर में, तो वो उसको जब तक वो सही चल रही है जब तक बेस्ट है, जिस दिन वो ख़राब हुई उस दिन बेड़ा गर्क। अब वो मैकेनिक के पास अब जाएंगे, लेकिन वो कुछ सही करेगा तो कुछ ख़राब करेगा। अभी हमारा एक दोस्त था, उसने उसका लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया था, तो मैंने उसको मशवरा दिया, मैंने कहा यार वो अंदर आप ना 3-4 साल से चला रहे हो, मट्टी वट्टी भर जाती है। वो डेल का लैपटॉप था, डेल के लैपटॉप में वो बड़ा फ़ैन लगा हुआ था जूम वाला, वो पूरी मट्टी भर देता है अंदर। तो मैंने उसको मशवरा दिया कि यार आप जाके ना इसकी सर्विस करवा लो दुकान से ना, यहाँ टेक्नो सिटी में गया वो, उसने जाके वो सर्विस करवा ली मुझसे कह रहा है कि यार इंतजाम भाई एक बात बताओ, सर्विस करने से स्पीकर बंद हो जाता है क्या? अभी मैंने कहा क्यों स्पीकर बंद होगा, कह रहा है लैपटॉप तो सही हो गया, फास्ट हो गया, लेकिन स्पीकर नहीं चल रहा। वो इतना बेचारा भोला मेरा दोस्त मैंने कहा है कि भाई उसके पास वापस लेके जाओ, उसको बोले स्पीकर क्यों नहीं चल रहा। तो वो वापस लेके गया, उसने खोला, स्पीकर की तार ही लगाना भूल गया, वो पिन विन जाहिर है केसिंग अलग हुई तो पिन अलग हुई, वो पिन लगाना भूल गया। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हर फील्ड में अपडेट आ गई है, हम नहीं अपडेट हुए, और जब तक हम नहीं अपडेट होंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से आउट हो जाएंगे। अभी आपको अभी जो बोलते थे ना ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक दफ़ा सीख लो ज़िंदगी भर चलेगी, अभी तो आ गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी। अब हमारे यहाँ कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है जो ईवी की ट्रेनिंग दे रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की? एनईडी में कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिपार्टमेंट खुला है? नहीं। अब टोयोटा, आपको पता है गैसोलीन जो है हमारे पास, जो पेट्रोल जिसको हम कहते हैं, ये इतना ख़तरनाक आइटम है। एक तो पहली बात माहौल के लिए मसला है, वो यूरो 2 O2 सब इसी चक्कर है कि वो कम से कम उसको करें। दूसरी बात ये ख़त्म होने वाला है ना, नेचुरल रिसोर्स है, एक दिन ख़त्म हो जाएगा, आज नहीं तो आज से 50 साल बाद ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रेट ऊपर ही जाएगा, नीचे कभी भी नहीं आएगा। नेचुरल गोल्ड वाला हिसाब है ना, गोल्ड वाला हिसाब है कि ज़मीन से निकलता है, जितना है उतना ही है, बस लिमिटेड सप्लाई है। तो इसका अभी भेज देता हूँ, तो इसकी कीमतें ऊपर जाएंगी, नीचे कभी भी नहीं आएगी। आप देखिए पिछले 2 साल के अंदर ये कहाँ 60-70 रुपए से, और अभी 300 पे पहुँचने वाला है, 270 हो गया गालबन, कल मैंने रात को देखा 270 था, 272 देख रहे हो, इतने दिल पे लगी कि 272 तो ये इतना ख़तरनाक आइटम है। अभी पेट्रोल हमारा अच्छा हमारे पास से निकलता नहीं है, पहली बात है तो हमारे पास, लेकिन निकालते नहीं हम लोग, हम कहीं और से अमेरिका से खरीदते हैं, बैरल्स खरीदते हैं ना, नहीं सऊदीया तो निकालता है रिफाइन करके, वो अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी और रशिया ने दो हैं। अभी रशिया से मेरे ख्याल है मुआहिदा हुआ है इनका कि भाई वहाँ से पेट्रोल लिया करेंगे हम, है ना। सऊदीया थोड़ी, सऊदीया के पास रिफाइनरी थोड़ी है, इराक ईरान किसी के पास नहीं है भाई, ये जितने ऑयल निकलने वाली है ना, ये जो नाइजीरिया से भी निकलता है ऑयल, वहाँ पे भी कोई रिफाइनरी नहीं है, वो सब अमेरिका को बेचते हैं और यूरोप को बेचते हैं ये लोग, यूरोप रिफाइन करता है और वे सारे पैसे वो कमाता है। अच्छा, अजीब ही खेल लगा हुआ है। तो मसला ये इसका ये है कि भाई सऊदीया वाले ख़ुद भी तो रिफाइनरी लगा सकते थे ना, क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, इस टेक्नोलॉजी को डिस्कवर ही नहीं किया, अपडेट ही नहीं हो, हमारा वाला हाल है उनका। हम अपने पास रिफाइनरी क्यों नहीं लगा रहे? हम सऊदीया से रॉ ऑयल ख़रीद के उसको खुद रिफाइन करके पेट्रोल क्यों नहीं बना रहे? कौन सा मुआहदा है? कोई मुआहदा नहीं है। नहीं, बलूचिस्तान में भी तो निकल रहा है ना ऑयल, और नए पॉकेट्स भी तो दरियाफ्त होते हैं ना ऑयल के, नए पॉकेट्स भी तो दरियाफ्त होते हैं ना। तो जो एग्जिस्टिंग पॉकेट है, चलो उसका तो मुआहदा है कि अमेरिका लेके जाएगा, जो नए पॉकेट दरियाफ्त हो रहे हैं वहाँ पे हम अपना प्लांट लगा के उसको क्यों नहीं निकाल रहे? हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। नहीं, पैसे नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है। पैसे तो वो निकलेगा तो पैसा ही है, नीचे वो ज़मीन में दबा हुआ पैसा ही है, वो पैसे नहीं है तो निकलेगा पैसा ही है वो, है ना। लेकिन वो निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है।
है ना। और हमारे बच्चों को बचपन से क्या बताया जा रहा है कि यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीख लो, एक ही इंजन है वही चल रहा है, आगे भी 10 साल वही चलेगा। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया, अब पड़ गया मसला। अभी आपको पता है ये टोयोटा और ये जो जितनी भी सुजुकी और जितने भी गाड़ियों की कंपनी है, इन सब में लाखों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं, ये सब बेरोजगार होने वाले हैं, है ना। ये सारे बेरोजगार होंगे क्योंकि इनको काम ही नहीं आता वो नया वाला, ना कोई यूनिवर्सिटी सिखा रही है कि जहाँ से जाके ये सीख लें, कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। तो जो सीनियर लोग बैठे हुए हैं एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स में, उनको चाहिए ना ये सोचें, या टोयोटा को ख़ुद भी चाहिए कि वो इंस्टीट्यूट से रابطہ करे, या इंस्टीट्यूट को चाहिए टोयोटा से रابطہ करे, उनसे जापान से इंजीनियर बुलवा ले इधर इलेक्ट्रिक व्हीकल के, यहाँ बच्चों को ट्रेन करे। नहीं, सही है। तो बहुत मसला पड़ चुका है इस वक्त ऑलरेडी सिविल इंजीनियरिंग में। आपको पता है जलजला प्रूफ 3D प्रिंटिंग सब हो गया, किसी भी फील्ड का नाम लो हम सबसे पीछे हैं, सबसे पीछे हैं। अब क्या किया जाए इसका? इसका एक ही हल है, वाहिद। इसका वाहिद हल ये है कि आपको चीज़ें, नई चीज़ें सीखना सिखा दी जाए। ये जो यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ आपको, नई चीज़ें सीखना सिखाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। अभी आपको सबसे पहले फेज़ में बुक पढ़ने की आदत डाली जाएगी, ठीक है, कि बुक आपके पास मौजूद है, ये सारा टॉपिक मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। इसका मौजला का डॉक्यूमेंट एक्सप्लोर करेंगे आप, बुक एक्सप्लोर करेंगे, वही है किबला, वहीं से सब कुछ चल रहा है। मौजला का डॉक्यूमेंट सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट समझा जाता है ओवरऑल, ओवरऑल इंटरनेट पे जो भी कुछ मौजूद है उस पर। तो वहाँ से आपने चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, जावा स्क्रिप्ट को उसके कोर पर जाके सीखना है। जावा स्क्रिप्ट का एक एक बाइट आपको पता होना चाहिए, एक एक बिट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कैसे क्या चल रहा है इंटरनली इसके। और इंशाल्लाह यहाँ से जब हम निकलेंगे तो हम सब लोग वर्ल्ड क्लास के डेवलपर बन के निकलेंगे, और आगे भी इंशाल्लाह इतने ही लोगों को आप सब लोग ट्रेन करेंगे। चलें जी, पाकिस्तान, चलो भाई नमाज़ पढ़ो फिर घर चले जाओ।